intro. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और हम भी अच्छे ही हैं। तो मैं ना घर से बाहर आई हूँ, थोड़ी सी आप देख पा रहे हो मेरे साथ तो स्कूटी है, हम कहते हैं स्कूटी तो फोटो तो ले तो अभी हम जा रहे हैं थोड़ी सी मतलब कुछ लाने के लिए मार्केट में जा रहे हैं। तो इधर हम थोड़े से एक जगह में रुके हैं क्योंकि तीन जन है ना, और मैं मतलब फर्स्ट टाइम तीन पर्सन को लेके मैं ड्राइव कर रही हूँ। तो मुझे कोई उतना घबराहट नहीं हो रही है, मतलब मैं लेके तीन ना, तो फिर भी से वो लोग का मतलब थोड़ा सा मतलब अनकम्फर्टेबल लग रहा था, तो यहाँ पर रुके हैं थोड़ा सा और अभी हम जाएँगे। तो मुझे काफ़ी अच्छा भी लग रहा है, सब मिल के हम जा रहे हैं घूमने। तो चलिए बने रहिएगा चैनल के साथ। मछली लेने के लिए तो बाटा मछली है और है रोई माछ, तो देखते हैं कौन सा लेते हैं। बाटा मछली है रोई माछ। तो बाटा तो और रोई ना। अच्छा नहीं पूछो कम दिबेन ना, कत होले दिबेन। तो ये मछली लिए हैं हम लोग, तो ये भी साफ करके दे रहे हैं। बाटा मछली खाने अच्छे लगते हैं यहाँ पर ना। हाँ हिसाब करें ना, हिसाब करें ना, ना करें मोबाइल करें हिसाब। हमारे खाली ठोका ही जाएगा ना, क्या ना ठोक बैन। तो फीस लेना ना हो गया, और ना मैं क्या गलती कर दी आज बोल दी ना, तो क्या गलती कर दी। तो मैं ना एटीएम लेके आई थी, तो एटीएम से कुछ पैसा निकालना था, तो क्या हुआ फिर भी से मैं कभी भी एटीएम से पैसा निकालने से पहले ना घर से लेके ही। हाँ तो क्या हुआ, मैं सोची थी मैं 500 का नोट मैं बैग में डाली थी, बट उसमें ना 500 का नोट नहीं था, 100 का नोट, तो धोखा दे दिया मुझे। हम सब मिल के आइसक्रीम खा रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए। तो खुशी के लिए लेके जाती है, बट जाते जाते ना ये गल जाएगा, तो लेके जाना कोई फायदा है नहीं। ये देखिए आइसक्रीम, तो चलिए इसे खाते हैं, उसके बाद घर जाना है। और खुशी भी शायद अभी सो रही है, आइसक्रीम तो दिए ना जरा, केरोसिन केरोसिन फ्लेवर। अभी हम घर जा रहे हैं, तो घर के बस सामने आ चुके हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा रुके हैं। यहाँ पे हम थोड़ा सा रुके थे और यहाँ पे ना मैंने वॉइस दिया था, बट बाद में मैं देखी इसमें सॉन्ग आ गया था, इसलिए मुझे इससे वॉइस को कट करना पड़ा। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा रुके थे, तो इन दोनों का यहाँ पे फोटो सेशन चल रहा था, फोटो रील्स वगैरह। तो काफ़ी सुंदर जगह है यहाँ पे, एकदम सुनसान सा जगह, बहुत ही अच्छा सा जगह है यहाँ पे, तो हमारे घर से थोड़ी सी दूर में। तो चलिए अभी मिलती हूँ घर जाके। तो हम घर आ गए हैं, और मेरी फ्रेंड क्या कर रही है देखिए ना, मतलब टी फैक्ट्री के अंदर मैं चली गई हूँ वहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए। तो मैं दिखाती हूँ अभी आप सबको, यहाँ पे काफ़ी अंधेरा है। हाँ, देख रहा है। तो आगे देखिए फैक्ट्री ना, नहीं अभी। तो बहुत टाइम पहले हम आ चुके थे घर, तो अभी मैं खुशी को थोड़ी सी खिला रही हूँ। बाबू जावा ना एक टू आछे एक चम्मच, तो उसे मैं आज कस्टर्ड बना के दी हूँ फ्रूट के साथ, तो वही उसे खिलाऊंगी। उसके बाद मैं चाय बनाऊंगी, और फिर तो लेके आए हूँ देखे हैं आप, तो वो फ्रेंड बनाएगी। तो चलिए अभी थोड़ी देर में दिखाती हूँ, मतलब अभी तो कुछ उतना है नहीं कुछ दिखाना, जब फिर बनाएगा तो उस टाइम दिखाऊंगी फिर से। तो चलिए गैस बने रहिएगा चैनल के साथ। तो अभी है रात का 10 बज रहे हैं, और अभी मैं और मेरी फ्रेंड बैठ के अभी मछली बना रहे हैं। तो मेरे साथ ये होते रहता है, मैं मछली लेके आई वो तो आप सब देखे हैं, और बाबा भी ऊपर से मछली लेके आए वो भी बहुत सारा,
तो हम मछली बनाते बनाते अभी आधा रात हो चुका है समझ लो, क्योंकि 10 पार हो गया। तो मैं दिखाती हूँ, मैंने मछली वगैरह फ्राई कर दिया, मछली का झोल भी बना लिया, और मेरी फ्रेंड जो है वो मछली का जो तेल होता है ना, तो वो बना रहे हैं अभी बैंगन के साथ। तो चलिए एक बार देख लीजिए आप लोग। तो ये देखिए यहाँ पे मछली फ्राई करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे नीचे मैं लाई थी वो मछली भी है, और बाबा लाए हैं कातला मांस तो वो भी है, और यहाँ पे मैंने मछली का झोल बना लिया है। तो ये देखिए मछली का झोल, कलर तो अच्छा लग रहा है, पता नहीं खाने में कैसा होगा। और बना रहे हैं चूल्हे पे ही, क्योंकि गैस में ना खड़ा होकर बनाना पड़ता है, चूल्हे में बैठ के बातें भी कर सकते हैं और खाना भी बन जाता है। तो ये देखिए यहाँ पे अभी तेल गरम हो रहा है, और अभी फ्रेंड मछली की जो तेल होता है ना वो अभी फ्राई करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे बैंगन जो है, बैंगन कट करके लिया है, और वहाँ से तेल रहा देखिए तो, और वहाँ पे है मछली का तेल, और यहाँ पे प्याज वगैरह सब कुछ कट करके लिया है। तो बस अभी ये होने के बाद हम खाना वाना खाएंगे, और बच्चों का खाना हो गया। तो बाबा बिरयानी लेके आए थे, तो आपको पता है खुशी को बिरयानी बहुत ज़्यादा पसंद है, और फ्रेंड की जो बेटी है उसको भी बिरयानी पसंद है। तो बच्चों का खाना हो गया, सिर्फ दूध पिलाना है, और उसके बाद हम खाना वाना खाएँगे। तो अभी मैं और कुछ भी नहीं दिखाऊंगी, बस हम खाना वाना खाएंगे, उसके बाद सो जाएंगे। तो मैं इस वीडियो का ना यहाँ पे एंड नहीं करूँगी, तो कल सुबह मेरे फ्रेंड लोग चले जाएंगे, तो कल सुबह मैं थोड़ी सी फिर से रिकॉर्ड कर लूँगी। तो चलिए अभी अभी तक अभी के लिए गुड नाइट, मिलते हैं सुबह। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो अभी है सुबह के टाइम, 9 बज रहा है, सुबह बोलने से भी 9 बज गया है, और आज हम जल्दी उठे थे, 6:30 बजे मैं उठी थी, और 6:30 बजे के उठने के बाद मैं अभी व्लॉग को मतलब ओपन स्टार्ट की हूँ। हाँ, तो जैसे कि मैं बताई थी कि मैं सुबह फ्रेंड लोग जब जाएगा मैं फिर से इस वीडियो को कंटिन्यू करूँगी। तो ना फ्रेंड लोग चले गए, बट मुझे थोड़ा सा भी याद नहीं था कि मैं वीडियो को थोड़ा सा उसे रिकॉर्ड कर पाऊँ, तो थोड़ा जल्दी जल्दी में थे, क्योंकि सुबह सुबह माँ बाबा भी चले जाते हैं ना काम पे, तो माँ बाबा भी जाएंगे उसी टाइम पे, और फ्रेंड लोग को भी जाने का वही टाइम था, तो इसीलिए थोड़ा जल्दी जल्दी में ना मुझे याद भी नहीं रहा कि मैं रिकॉर्ड करूँ। तो वो लोग अभी चले गए हैं, मतलब सिलीगुड़ी के गाड़ी में भी चढ़ गया है, और अभी बस खुशी और मैं फिर से अकेले हो गए, घर पूरा सूना हो गया है। तो कोई अगर आता है उसके बाद चले जाने के बाद ना बिल्कुल भी मतलब अच्छा नहीं लगता है। और सबसे खास बात, सबसे मेन बात क्या है, कुछ भी एनर्जी नहीं रहता कि कुछ काम करे, बहुत सारा काम पड़ा हुआ है मेरा, बहुत काम है, मतलब क्या बोलो, जब से फ्रेंड लोग आए ना तब से पानी का फिर से प्रॉब्लम हुआ था। इससे पहले पानी का प्रॉब्लम हुआ उस समय मैं बताई थी आप सबको, फिर से वही पानी का प्रॉब्लम। तो अभी भी सुबह से पानी एक बार भी पानी अभी तक नहीं आई है, बाबू यदि का शो। तो बहुत सारा बर्तन वगैरह है, रात का ही बर्तन, वो सब क्लीन करना है, और बहुत 2 दिन से कपड़ा जमा हुआ है, 2 दिन नहीं 3 दिन से कपड़ा जमा हुआ है, तो 3 दिन का कपड़ा भी धोना है, किसी को ब्रेकफास्ट करवाना है, मतलब बहुत सारा काम है, जो जो काम रहता है। तो बस अब यही है, मतलब चले गए हैं फ्रेंड लोग, तो मैं वो तो दिखाने के नहीं पाई, मतलब याद ही नहीं था मुझे। तो चलिए इस ब्लॉग को मैं यहाँ पे एंड करती हूँ, और मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ, एक नए कंटेंट के साथ। तो तब तक चलिए बाय बाय, मिलती हूँ एक नए ब्लॉग में।